हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर नंबर 2 है जोड़ और घटाव। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप लोग का प्रश्नावली 2 का अभ्यास 1 शुरू होता है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोड़ कीजिए, तो हम लोग जोड़ते हैं 8 5 होता है 13, 13 का 3 बाकी कितना 1, 3 2 5 1 6, उसके बाद 9 4 13, 1363 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए 5 3 8 है ना, 5 1 6, 7 का 7, 1 का 1। दूसरा देखिए आ गया 9 8 कितना होता है 17, 17 का 7 बाकी कितना 1, 7 2 9, फिर 7 2 9, फिर 3 का 3, 5 4 9। तो इस प्रकार आप लोग जोड़ ज्ञात कर लिए। अब आप लोग का कहता है दूसरा क्वेश्चन है खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। आप लोग को उचित अंक भरना है। 8 में हम लोग कितना जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 1, 8 + 1 = कितना 9, पुड़ गया ना। अच्छा 2 और 9 को जोड़ने पर कितना होगा 11 का 1, अब बाकी बच गया कितना 1, 3 1 4, और 4 में हम लोग कितना जोड़े जो 1 आ जाए, मतलब 11 का 1 आए। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 7 भर दीजिए, तो 7 7 3 10 और बाकी था 1, तो 11 का 1 बाकी कितना 1 हुआ ना। अब देखिए 4 5 9 पुड़ गया ना, अब हम लोग इसको भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 में कितना जोड़े जो 10 का 0 बचे, तो आप लोग बोलेंगे सर 8, 8 2 10 10 का 0 बाकी कितना 1, 8 5 13, 13 का 3 बाकी कितना 1 है ना, 1 यानी कि 4, और 4 में कितना जोड़े जो 8 हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे सर 4। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार भर लेंगे। तो मैं ऐसा करूँगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर आप लोग 13 भर लेंगे 13, ठीक है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गाँव में कुल पुरुष इतना कुल महिला इतना थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या इतना और महिला की संख्या इतना हो, तो बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर पुरुष की संख्या को लिखना है। तो देखिए इसको हम लोग बनाना सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना है 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे सर 15,430 है ना, और महिला की संख्या कितनी है 15,220, यही है ना। अच्छा 2001 के जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या है 12,340 और महिला की संख्या है 12,230, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे पुरुष, क्या लिखेंगे पुरुष, इधर लिख देंगे आप लोग महिला, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए दोनों को माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 गया, 0 13 में से 4 गया, तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, और इधर 3 में से 3 गया 0, 5 में 2 गया 3, यानी कि 3090 की क्या हुई वृद्धि हुई, महिला में कितना का वृद्धि हुआ। तो इसको देखिए 12 में से 3 गया 9, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 1, यानी कि 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में 2 गया 2, यानी कि 2990 की वृद्धि हुई, किस में महिला की संख्या में, और पुरुष की संख्या में 3090 की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कहता है भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया और फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में इतना मीटर कपड़ा बनाया, बताइए इन तीनों महीना में उसने कुल कितने कपड़े बनाया। तो सिंपल सा है, क्या करना है आपको बाबू, तीनों को जोड़ देना है। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर जनवरी माह में, जनवरी माह में कितना बनाया 25,620 मीटर कपड़ा है ना। उसके बाद फरवरी में, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फरवरी माह में कितना बनाया, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 26,320 मीटर। फिर मार्च में कितना बनाया, तो आप लोग कहेंगे सर 46,270 है ना। अब आप लोग क्या कीजिए तीनों को जोड़िए, तो 0 में 0 0 जोड़ेंगे तो आएगा 0 2 2 4 7 4 11 का 1 बाकी कितना 1, 7 3 10 2 12 का 2 बाकी 1, 6 6 12 6 18 का 8 बाकी 1, 3 2 5 4 9, 98,210 मीटर इतना कपड़ा बनाया, कितने तीनों महीना में उसने कुल कितना मीटर कपड़ा बनाया, तो 98,210 मीटर। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। क्लियर। रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं, मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर लिख देना है, उसके बाद देखिए मोहन, मोहन क्या बताता है, मोहन के खेत में सूरजमुखी के कितने फूल हैं, 46,380। और यहाँ पर रिजवाना, रिजवाना है ना, ये कितना बताती है, 56,332। तो दोनों को जोड़िए, टोटल फूल आ जाएगा 2, 8, 3, 11 का 1, बाकी 1, 4, 3, 7, 6, 6, 12 का 2, बाकी 1, 5, 5, 10। ये टोटल आ गया, यहाँ पर आप लोग को पता हो गया कितना आया, कितना आया बाबू, 1,02,712। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलाश जी के आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं, राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए, बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, 49,399 में 57,999 को प्लस करना है, 9, 9, 18 का 8, बाकी 1, 10, 9, 19 का 9, बाकी बचा 1 है ना, उसके बाद 9, 3, 12, 1, 13 का 3, बाकी 1, 10, 17 का 7, बाकी 1, 5, 5, 10, आप लोग का इतना आ गया, यानी कि 107,398। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो सब पहले हम लोग यहाँ पर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो देखिए जितनी अंक रहे उतना 9 देना है। ठीक है, चलिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया। और छोटी संख्या बोल रहा है तो छोटी संख्या हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 6 जीरो देंगे, जितना अंक बोले उससे कम 1 जीरो देना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए, तो बोलेंगे 9, 9, 9, 9, 9, 9 और 9, 1, 10, इतना हम लोग का क्या आ गया, योगफल आ गया। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहता है नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसे 4 अंकीय संख्या भरिए जिनसे उनका योग इतना हो जाए, मतलब 9,999 हो जाए। तो हम लोग चलिए भरते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को अपने मन से कोई भी संख्या यहाँ पर पहले भरना है एक में। जैसे यहाँ पर 3455 है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी भर दीजिए, हम भर देते हैं यहाँ पर, क्या भरते हैं, 3,000 भर देते हैं। लीजिए 3,000 हम लोग भर दिए, 3,000 भरे ना, अब आप लोग को इस दोनों को जोड़ना है, जोड़िए तो क्या होगा जी, 3, 3, 6, 455, 6,455 आया ना, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें घटा देना है, किसमें, 9,999 में, ये माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 3544, 3544 इस बॉक्स में भर दीजिए, 3544, बस आप लोग का बन गया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर 3,000 भर दिए, यहाँ पर 3544, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर आप लोग 4,000 भर दीजिए, 4,000, यहाँ पर 2,000 भर दीजिए, 4, 2, 6,000 हो गया, अब बचा उधर कितना, 3,999 बचा ना। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर भर कर हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो मैं ऐसा करूँगा, आप लोग का इस प्रकार अभ्यास 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व हम कर दिए हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अभ्यास 2 को। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल पर आप लोग को क्लास 5 के सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी।